यूपी के तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और बस खाई में जा गिरी। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और अब आतंकियों की तलाश में शुरू हो चुका है सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने जिस बस पर हमला किया उस बस में ज्यादातर लोग यूपी के ही रहने वाले थे। हमले में 10 लोगों की जान गई। इन 10 लोगों में 3 लोग यूपी के रहने वाले हैं, जबकि 33 घायल भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। मरने वालों में शिवम गुप्ता, रूबी और अनुराग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। घायलों में कुल 33 लोग यूपी के रहने वाले हैं। 9 गोंडा से, 6 बलरामपुर से, नोएडा से 4, गोरखपुर और वाराणसी से 2-2 यात्री घायल हुए। मेरठपुर के 3, बैरनपुर का 1 शामिल है। सुरक्षा बलों ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे ड्राइवर का बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक तीर्थ यात्री बस से रियासी के शिवखोड़ी से दर्शन कर वैष्णो देवी जा रही थी, तभी आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। रियासी में हमले के बाद न्यूज 18 संवाददाता ने बस के अंदर जाकर हालात का जायजा लिया। अभी मैं लगभग 250 फीट नीचे उसी बस के साथ मौजूद हूं जिस बस को कल आतंकवादियों ने निशाना बनाया। रियासी जिले में जो पोनी का इलाका है उसके पास शिवखोड़ी से ये बस में श्रद्धालु जब निकले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, रास्ते में घात लगाए जो आतंकवादी बैठे थे उन्होंने निशाना बनाया। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर को सबसे पहले आतंकवादी ने सामने से निशाना बनाया। जब उसको हिट किया तो इस बस का ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और 250 फीट नीचे जो ये बस है वो चली गई। जो धब्बे हैं ये वो कहानी बयान करते हैं किस तरह से आतंकवादियों ने निहत्थे श्रद्धालुओं को जो है निशाना बनाया। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए हाथ में ये शिवखोड़ी भवन, शिवखोड़ी भवन का जो ये आप देख सकते हैं कि ये उसके साथ साथ यहाँ पे प्रसाद भी हमने देखा कि जो शिवखोड़ी से जो श्रद्धालु लेकर आए थे वो प्रसाद भी यहाँ पे जहाँ तहाँ आपको गिरा हुआ। घायल यात्री संतोष कुमार ने बताया कि आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहनी थी, उन्होंने लाल कपड़े से मुंह बांध रखा था। बस जैसे ही मोड़ पर आई अचानक गोलियां चलने लगी। बस की खाई में गिरने से पहले आतंकियों ने 25 से 30 गोलियां चलाई थी। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों की मदद के लिए घटनास्थल के पास ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है और उन्हें हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोगों से न्यूज 18 ने बातचीत की। स्थानीय लोगों ने कहा कि आतंकी कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमने देखा आप आज भी गए थे जंगल की तरफ, आपको डर, आपको पता नहीं था कि आतंकी है कल से यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है? ना असी नहीं डरे नहीं, ऐसा नहीं की जंगल फिर रोज जंगल भी जाते हैं, डरते कैसे हैं? उम्र का गुजारू रही थे जंगल में। आज भी गए थे, आज भी गए थे, आज लकड़ी नहीं काटी, डरे थे यहाँ आ गए। जे मिली गए ना पत्थर मेरे को बढ़ दूंगा। जो पुलिस कर्मचारी है हमारे वो इनको ढूंढे, जबरदस्ती ढूंढे, हम खुद इनके साथ हमला करेंगे, पुलिस के साथ चलेंगे। सेना और पुलिस को शक है कि जंगलों में आतंकी छिपे हो सकते हैं। लहाज ड्रोन की मदद से तलाश जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्रद्धालुओं पर हमले के दोषी किसी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे, उन्हें अंजाम भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर एक रनवे पर दो विमान आ गए। देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे पर बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। 13 सेकंड का ये वीडियो डर पैदा करने वाला है। शायद ही आपने पहले ऐसा कुछ देखा होगा। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर दो विमान टकराते टकराते बच गए। करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे दो विमान अचानक ही एक ही रनवे पर आ गए। दोनों विमान आपस में टकराते इससे पहले एक विमान हवा में उड़ान भर गया और चंद सेकंड के फासले के चलते सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी बच गई। ये घटना मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह करीब 6 बजे की है। घटना के बाद संज्ञान में आने पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको बताते हैं आखिर 13 सेकंड में रनवे पर हुआ क्या था। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-657 रनवे से टेक ऑफ करने वाली ही थी, लेकिन इससे पहले ही फ्लाइट टेक ऑफ करती इंदौर से मुंबई पहुंची इंडिगो की फ्लाइट 6E5053 रनवे पर लैंड कर गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों एयरक्राफ्ट आगे पीछे एक ही रनवे पर थे। दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से सिर्फ चंद सेकंड की दूरी पर थे। दोनों की फ्लाइट की रफ्तार बेहद ही तेज थी। चंद सेकंड में भयंकर हादसा हो सकता था। इससे पहले कि कोई दुर्घटना होती एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया और एक बड़ा हादसा चंद सेकंड में टल गया। अब मामले की जांच शुरू हो गई है और तीन पहलुओं से जांच हो रही है। पहला, एयर इंडिया के पायलट ने टेक ऑफ में देरी की। दूसरा, इंडिगो के पायलट ने लैंडिंग में जल्दबाजी की। तीसरा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दोनों पायलट के बीच लैंडिंग टेक ऑफ के समय अंतराल की गणना करने में चूक हो गई। अब इन तीनों में असल चूक किससे हुई है इसका सच DGCA की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल DGCA ने दोनों पायलट और ATC के बीच हुए बातचीत को अपने कब्जे में ले लिया है। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है एक ही रनवे से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ कराना एक सामान्य प्रैक्टिस है, लेकिन दोनों विमानों के बीच समय का पर्याप्त अंतर रखा जाता है। जैसे ही एक विमान उड़ान भरता है उसके बाद ही दूसरा विमान टच डाउन करता है। मुंबई एयरपोर्ट पर ये वक्त करीब 45 सेकंड का होता है, लेकिन इस बार रनवे पर जो हुआ वो बड़ी चूक थी। अब इसकी जांच से सच सामने आएगा कि गलती आखिर किसकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। काशी में इस बार देव दीपावली बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि देव दीपावली के मौके पर काशी में देश की पहली अर्बन रोपवे सर्विस शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि इस रोपवे सर्विस के शुरू होने के साथ ही काशी में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।